Hi guys, this is Praj Kashmiri and you're watching Mobile Valley. तो आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही मजे का वेरिएंट आया है जिसका नाम है OnePlus 10 Pro. इसको रिलीज हुए तो हो गए हैं कुछ मंथ्स, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे थे कि इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. तो ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी आप लोगों के लिए स्पेशली. तो आज इसके बारे में बात होने वाली है, इसके डिज़ाइन के वाले, इसके परफॉर्मेंस के हवाले से और क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं और कैसे ये काम कर रहा है, इसका कैमरा और सब कुछ. तो हम टाइम वेस्ट के बगैर करते हैं वीडियो को स्टार्ट. लेकिन उससे पहले एक सेकंड, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से पहले कर लो, क्योंकि इससे अगली वीडियो में इससे भी मजे का वेरिएंट आने वाला है. तो आप करें सब्सक्राइब और मैं करता हूं स्टार्ट. लेट्स स्टार्ट. जी तो गाइस, सबसे पहले बात करते चलते हैं इसके डिज़ाइन के वाले से. तो मैं आपको बताता चलूं, इसका डिज़ाइन ऑलमोस्ट हमें सेम ही देखने को मिलता है इसके प्रीडेसर 9 प्रो की तरह. जब हम फ्रंट से देखते हैं तो बिल्कुल हमें सेम ही देखने को मिलता है. और एक और बात आपको बताता चलूं, यहाँ पे जब आप फ्रंट से इसको पहली बार देखेंगे और अगर बैक आप नहीं देखेंगे तो आपको लगेगा कोई सैमसंग की डिवाइस है, कोई 9 प्लस लगेगा आपको, क्योंकि एग्जैक्टली वही पैनल मिलता है, फ्लैगशिप फ़ोन है. आपको प्राइस के वाले से भी बताता चलूं, इसकी प्राइस जो है अभी पाकिस्तानी मार्केट में 170,000 मिलेगी, यानी 170,000. तो ये फ्लैगशिप फोन्स में आता है. S20 अल्ट्रा के साथ इसका कंपैरिजन है, आईफोन एक्स के साथ इसका कंपैरिजन बनता है. तो हम देखते चलते हैं, इसका डिज़ाइन ऑलमोस्ट हमारे पास सेम आता है. और फ्रंट की अगर मैं बात करता चलूँ तो फ्रंट भी हमें जो है वो ग्लास का देखने को मिलता है, लेकिन गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन भी हमें देखने को मिलती है फ्रंट में. अगर लेफ्ट राइट पर देखें तो वॉल्यूम अप डाउन बटन हमें देखने को मिलता है. तो राइट पर अगर हम देखें तो पावर ऑन बटन के ऊपर ही हमें मिलता है छोटा सा बटन, जिस आईफोन में आपने देखा होगा हमें रिंग के लिए, वाइब्रेशन पे लगाने के लिए और साइलेंट मोड पे लगाने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा बटन मिलता है, जो कि काफ़ी मज़े का मुझे लगा है. और अगर यहाँ पे मैं नीचे देखता चलूँ तो हमें स्टीरियो टाइप स्पीकर भी देखने को मिल जाते हैं, सी टाइप चार्जिंग स्लॉट देखने को मिलती है, उसके साथ ही हमें जो है वो सिम स्लॉट मिलती है जो कि डुअल सिम भी है ये फ़ोन, मैं आपको बताता चलूँ. अब अगर मैं फ्रंट पे देखूँ तो लेफ्ट साइड पे टॉप कॉर्नर पे हमें पंच होल में सेल्फी कैमरा नज़र आ जाता है. अगर ऊपर देखें तो ऊपर हमें खासा कुछ भी नहीं मिलता. अब हम मूव करते हैं बैक की तरफ. तो बैक की तरफ अगर मैं चलूं तो टेक्सचर बहुत ही मज़े का लग रहा है. और मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे डिफरेंस हमें देखने को मिलता है 9 प्रो से, वो ये है कि कैमरा सेटअप में देखने को मिल जाता है डिफरेंस, जो कि ट्रिपल कैमरा सेटअप है और बड़े कैमराज करती हैं. कि 9 प्रो अगर आप देखेंगे तो 2 कैमरा आपको ऊपर मिलते हैं और साथ ही स्मॉल कैमराज मिलते हैं छोटे छोटे नीचे, और यहाँ पे हमें स्पॉट लाइट भी देखने को मिल जाती है. तो उसके अलावा जो डिफरेंस हमें मिलता है डिज़ाइन के हवाले से, कि हमें जो एग्जैक्टली जो स्क्रीन साइज है वो सेम ही देखने को मिलता है 9 प्रो वाला, लेकिन ये स्लाइटली थिकर है ये फोन और थोड़ा सा उससे वेट में भी ज्यादा है. इसका वेट मैं आपको बताता चलूं, यहां पे 200.5 ग्राम इसका वेट है, लेकिन फिर भी S20 अल्ट्रा से अगर आप कंपेयर करेंगे इसका वेट तो उससे लाइट है ये फोन. तो ये थी इसकी आउटर लुक और डिजाइन के हवाले से. हम चलते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ. जी तो गाइस, यहाँ पे अगर मैं डिस्प्ले की बात करता चलूँ तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन साइज़ का ऑलरेडी जिस तरह बता चुका हूँ, जो कि 6.7 इंच है, एग्जैक्टली सेम है हमारे पास 9 प्रो की तरह. और यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हमारे पास 11 प्रो मैक्स का जो साइज़ है वो आता है 6.5, तो उससे हमें बड़ी स्क्रीन देखने को मिलती है. और डिस्प्ले इसका LTPO2 फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले है. And this panel is not only good for gamings but also for watching videos as well. यहाँ पे अगर मैं बात करता चलूँ इसके स्क्रीन टू बॉडी रेशो को, तो 90% हमें मिलता है स्क्रीन टू बॉडी रेशो, जो कि बहुत अच्छा डिस्प्ले है हर चीज़ के लिहाज से, बेस्ट जा रहा है अभी तक अगर मैं इसकी बात करता चलूँ डिस्प्ले में. यहाँ पे अगर मैं ब्राइटनेस की बात करता चलूँ तो नॉर्मल हमें मिलती है 500 और इसकी पीक ब्राइटनेस हमें मिलती है 1300 निट्स की. और यहाँ पे अगर मैं इसके रिफ्रेश रेट की बात करता चलूँ तो रिफ्रेश रेट मुझे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ देखने को मिला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फोन्स मैंने भी यूज़ किए हैं पुराने सैमसंग के, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा स्मूथ देखने को मिल रहा है. तो 120 हर्ट्ज़ इज़ द बेस्ट यहाँ पे इसका पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े का लगा है मुझे. उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करता चलूँ इसके पिक्सल्स यानी कि स्क्रीन रेजोल्यूशन की, तो हमें यहाँ पे मिलता है 1440x3216 का हमें मिलता है पिक्सल रेजोल्यूशन. बहुत अच्छा डिस्प्ले है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा जो कि इसके कंपेटिटर हैं,
जैसा कि S22 Ultra आ जाता है इस लीग में, तो उसके मुकाबले का ये नहीं नज़र आता, क्योंकि उसका डिस्प्ले जो है वो AMOLED 2X डायनामिक डिस्प्ले हमें देखने को मिलता है और पीक ब्राइटनेस भी हमें तकरीबन 750 की देखने को मिलती है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा फर्क देखने को मिलता है जो कि 1300 इसकी पीक ब्राइटनेस है। तो ये थी ओवरऑल डिस्प्ले के हवाले से जो भी बात थी वो आपको मैंने बता दी। अगर हम परफॉर्मेंस की तरफ चलें जी, तो गाइस अगर यहाँ पे मैं परफॉर्मेंस की बात करता चलूँ तो 10 प्रो के लिए परफॉर्मेंस इज नॉट एन इशू। उसकी रीज़न क्या है, कुछ पॉइंट्स आपको बताता चलूँगा। ऑलरेडी आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या वजह है कि इशू नहीं है परफॉर्मेंस 10 प्रो के लिए। सबसे पहला पॉइंट है इसका चिपसेट। चिपसेट स्नैपड्रैगन जनरेशन 1 4nm टेक्नोलॉजी के साथ, जो मर्जी आप प्ले करें आपका सब कुछ स्मूथली प्ले होने वाला है, और उसके ऊपर एंड्रीनो 730 GPU जो कि ग्राफिक्स हैं, और उससे भी 12GB रैम के साथ आप जो मर्जी करें सब कुछ स्मूथ होने वाला है। चाहे गेमिंग है, कोई हाई एंड आपकी वीडियोस हैं वो भी आपकी बहुत अच्छी प्ले होने वाली हैं, आपकी गेम में भी कोई इशू नहीं आने वाला। और यही वजह है कि अगर इसके मैं अंतुतु V9 स्कोर की बात करूं तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं हमारे पास आता है 88.6248 जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर हमें देखने को मिल जाता है। हम चलते हैं इसके कैमराज की तरफ और देखते हैं कि कैमराज में हमें क्या देखने को मिलता है। 10 प्रो का रिव्यू इनकम्प्लीट है अगर कैमरा का रिव्यू हम ना दें तो। हम कैमरे पर बात करने लगे हैं, आपको बताते चलूँ काफ़ी ज़्यादा लोग ये सोचते होंगे कि 10 प्रो के कैमराज उतने अच्छे नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी सैमसंग की फ्लैगशिप डिवाइसेज। लेकिन आपको यहाँ पे एक और चीज़ में ऐड करता चलूँ, जितनी भी वन प्लस की डिवाइसेज अभी तक आई हैं उनमें सबसे बेहतरीन कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलेगा वन प्लस 10 प्रो के अंदर। जी तो गाइस यहाँ पे अगर मैं कैमराज की बात करता चलूँ, उसके मेगापिक्सल्स और रिजल्ट की बात करता चलूँ, तो यहाँ पे उमर मैं आपसे कहूँगा कि आप पिक्चर्स जो भी हमने खींची हैं उनके शेयर कर दीजिएगा लेफ्ट राइट, और जो भी इनके कंपैरिजन है। 48 मेगापिक्सल का हमें वाइड एंगल देखने को मिलता है, हमें देखने को मिला कि स्मॉल हो गए मेगापिक्सल। लेकिन यहाँ पे एक और बात ऐड करता चलूँ जो कि टेक्निकल बात है, उसका सेंसर उन्होंने बढ़ा दिया जो कि 1/4.3 हमें देखने को मिलता है, जिसका मतलब यह है कि पिक्चर्स का रिजल्ट बहुत ज़्यादा बेहतर देखने को मिलने वाला है इवन इन लो लाइट। और यहाँ पे अगर मैं बात करता चलूँ टेलीफोटो लेंस की, 8 मेगापिक्सल का वो देखने को मिलता है हमें, और अल्ट्रा वाइड जो है वो 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। यहाँ पे भी टेक्निकल एक बात ये है कि उसके पिक्सल ज़रूर बड़े हो गए लेकिन सेंसर हमें छोटा देखने को मिलता है, जो कि हमें 1/2.76 देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू इस प्रीडिसेसर 9 प्रो में हमें 1/1.56 देखने को मिलता था। यहाँ पे अगर मैं सेल्फी कैमरा की बात करता चलूँ तो सेल्फी कैमरा इन्होंने अपग्रेड किया है 32 मेगापिक्सल तक, और उसका लार्ज सेंसर है 1/2.76। और यहाँ पे एक और मज़ेदार बात बताता चलूँ आपको, वीडियो जो है वो हमें यहाँ पे स्टार्ट में 720p 1080 4K और मैक्सिमम हमें 8K तक देखने को मिलती है, विच इज़ अमेजिंग। हमें जो है वो अब 14 प्रो में आके 8K में देखने को मिलेगी वीडियो अब, लेकिन इसमें हमें जो है वो अभी ही 8K में देखने को मिलेगी। तो जो भाई हमारे व्लॉग करना चाहते हैं, आईफोन ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा महंगे होने वाले, तो ये आपके लिए बेस्ट होने वाला है क्योंकि इसकी प्राइस रेंज भी 170 है, तो जो लोग अफोर्ड कर सकते तो ये व्लॉग के लिए भी बेस्ट होने वाला है। उमर, क्योंकि आप भी मेरे से पूछ लेते 8K में वीडियो बनाने वाला है ये तो भाई वो है वन, ये फराज भाई हमारे साथ, इन्होंने बड़ा अच्छा सजेशन दिया है मुझे कि कौन सा फोन लेना है। ये आपका जो हाँ मेरा फोन कौन सा था आपने सजेस्ट किया था मुझे? 10 प्रो कौन सी वन प्लस 10 प्रो ले लिया मैंने 175 का, जो कि PTA प्रूव है। 170 का मिल जाएगा? नहीं मुझे 5000 महंगा पड़ा ना, डिलीवरी हुई है यहाँ पे। और नवीद कैसा लगा मेरा नया फोन? इसमें यह है कि अब आपकी 1080p पे बन रही वीडियो, इफ यू वांट कि आपकी 4K 8K तक वीडियो बने तो आप बैक कैमरा यूज कर सकते हैं, उसको लगा के देखें। लेकिन सेल्फी की अगर बात करता चलो तो सेल्फी में हमें 1080 तक मिलने वाली है, वो भी 30 फ्रेम पर सेकंड में। जिसका जहाँ पे मैं कुछ एडिशनल फीचर्स के बारे में भी बात करता चलूँ, जो मेन कैमरा फीचर्स हैं उसमें हमें हेजल ब्लेड देखने को मिलने वाला है, और साथ साथ मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं आप क्लियरली देख भी पाएंगे, और जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आपको देखने को मिले हैं। और अगर मैं यहाँ पे बात करता चलूँ सेल्फी कैमरा के लिहाज से, तो उसमें हमें फेस अनलॉक देखने को मिलने वाला है, HDR देखने को मिलने वाला है। ये थे कुछ फीचर्स हमारे कैमरास के लिहाज से, और एडिशनल कुछ फीचर्स हैं उसका भी आपको मैं बताता चलूँ यहाँ पे, जिसमें मेन में फिंगरप्रिंट की आपको बात बताना चाहूँगा, वो हमें अंडर डिस्प्ले ऑप्शनल देखने को मिलता है। जी तो गाइस यहाँ पे अगर मैं बैटरी के लिहाज से बात करता चलूँ तो 80W की हमें फास्ट चार्जिंग मिलने वाली है, और वायरलेस चार्जिंग की बात करें तो वो हमें 50W तक देखने को मिलने वाली है।
जी तो गाइस, जैसा कि आपको बता रहा था कि मैं पैनल जो है फ्रंट बिल्कुल ही सेम देखने को मिलता है 9 प्रो और 10 प्रो का, और बताना ये बिल्कुल मुश्किल है कि कौन सा 10 प्रो है और कौन सा 9 प्रो है। अगर मैं आपको भी फ्रंट पे दिखाऊंगा तो यू फील के साइज़ भी बिल्कुल हमें सेम देखने को मिलते हैं। एग्जैक्टली मैंने इनको साथ रख के भी जोड़ के देखा है, एग्जैक्टली 6.7 हमें दोनों का साइज देखने को मिलता है। लेकिन हमें जो थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिलता है आपको मैं बताता चलूँ, यहाँ पे ये स्लाइटली थिनर है, जो 10 प्रो है हमें स्लाइटली थिनर देखने को मिल रहा है, और साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि स्लाइटली थिकर है, थोड़ा सा हमें चौड़ा देखने को मिलता है। और अगर मैं वेट की बात करता चलो, दोनों में से हमें जो 10 प्रो का साइज़ है वो थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है, और आपको बताता हूँ इसका 200 ग्राम और इसका 197 ग्राम है, यानी 3 ग्राम जो है वो हमें 10 प्रो का वेट ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन ओवरऑल लुक एंड फील की अगर बात की जाए, दोनों के कर्व्ड ही हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन बैक से जो है ये हमें ज़्यादा राउंड देखने को मिलता है 9 प्रो, लेकिन बैक इसकी ज़्यादा मज़े की लगती है, इसकी फील ओवरऑल अगर मैं बात करता चलूँ तो। कैमरा के लिहाज से भी सेटअप आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया, इसमें हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमें जो है वो 4 कैमरा देख रहे हैं, जो कि 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस हमें एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। और सेल्फी जो अपग्रेड है, मैं आपको अगर बताता चलूँ कि सेल्फी अपग्रेड तो बहुत ही कमाल का हमें देखने को मिल रहा है दोनों में, और अच्छा खासा फ़र्क देखने को मिलता है भाई। जो क्लैरिटी है वो हमें 32 मेगापिक्सल में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। मैं एक इंटरनेट की भी पिक्चर आपके साथ शेयर करूँगा जो कि मैंने, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, और मैं चाहता हूँ कि आप वो भी ज़्यादा देखें कि उसमें वाइट जो ज़्यादा था, हमें 9 प्रो में वाइट ज़्यादा देखने को मिल रहा था, और उसके अंदर ज़्यादा कलर वाइब्रेंट और क्लियर नज़र आ रहे थे हमें 10 प्रो के अंदर। अगर प्राइसेस की यहाँ पे हम बात करते चलूँ तो हमें 10 प्रो जो है वो 170 के अराउंड मिलने वाला है कंप्लीट पीटीए प्रूफ के साथ, और 115 में आपको मिलेगा यहाँ पे 9 प्रो। और जो बाकी मेन डिफरेंसेस है मैं आपके साथ चार्ट भी शेयर करता चलता हूँ, वहाँ पे भी आप पढ़ रहे होंगे। ये थे कुछ फ़र्क हमारे 9 प्रो और 10 प्रो के बारे में, तो हमने कहा इसी वीडियो में आपको कंपैरिजन भी थोड़ा सा दे दें। तो ये थी ओवरऑल वीडियो हमारी, जो हमारा रिव्यू था 10 प्रो का, लेकिन हमने कुछ डिफरेंसेस भी आपको 9 प्रो के बारे में बता दिए। सो आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई है, पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो बनता है, और बेल आइकन दबाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों मैं बताइएगा। बिल्कुल, तो दबा दें अब हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी मज़े के टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।